ऐसे मुष्टिक चारुड़े नाम के दो पहलवान हैं, जिनसे जाते ही मल्ल युद्ध करना होता है। इसे यहाँ साहित्यिक भाषा में मल्ल युद्ध कहा, उसे आप कुश्ती कह सकते हैं अपनी भाषा में। मल्ल युद्ध चारुक्य मुष्टिक और चारुड़ का बध करके कन्हैया जी और आगे जाते हैं, तो कुबलिया पीड़ हाथी खड़ी है, नशे में भांग पिलाकर खड़ा किया हुआ है। इससे बचेगा तो मेरे पास आएगा। कृष्ण को मारने की जहां कंस की इच्छा है, वही मन में भय भी है। प्रलंबासुर ताड़कासुर सारे लोगों को मार डाला, इसलिए पहले सुरक्षा भी कर रहे हैं। कुबलिया पीड़ हाथी को मुख्य द्वार पे रखा, तो हाथी का एक स्वभाव है पता है आपको, के ही कार रघुल रघुप्त फुल कही कारण धूल उड़ावत हाथी, कही कारण पान फुले न फुले, कही कारण डोलत बरसा, तो धन कारण गूल रघुप्त फुले। कूलर का फल मिलता है, फूल नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो किसी को मिल जाए तो धनवान हो जाएगा। कूलर लक्ष्मी का प्रतीक है, तो धन कारण गूल रघुप्त फुले, मद कारण धूल उड़ावत हाथी, मद में अपने हाथी धूल उड़ाता है। इस कारण पान फूले, पान में अगर फूल आ जाएगा तो विष हो जाएगा। देव कारण दौलत का वास पीपल के वृक्ष पे होता है, इसलिए वो पत्ती हमेशा। मैं कई बार कथा में आनंद लेने के लिए कहता हूं कि भाई आचार्य जी चार चीज नहीं रुकती, समय का चक्र, घोड़े का कान, समय का चक्र, घोड़े का कान, पीपल का पान और मेरी मां की जुबान। ये नहीं भगवान ने मुष्टिक चारुड़ का उद्धार किया, और वहां एक धनुष रखा है, धनुष को उठाया, धनुष भंग किया, और उसकी गड़गड़ाहट से कंस को प्रतीत हो गया कृष्ण का आगमन। कुबलिया पीड़ हाथी मुख्य द्वार से खड़ा है नशे में, तो हाथी का एक स्वभाव आपको बता दे कि हाथी सामने से कोई भी चीज उठाकर पीछे फेंकता है। और आपको कल बताया था कि जितने अवतार हुए अब तक, वो सब अवतार अधूरे हैं, पर गोकुल के आनंद कंद तो रहो कला से पूरे। राम में 12, रावण में 14, कृष्ण 16 कला से पूरे हैं। और
आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान की 16 कलाएं क्या बताई है आचार्य वर्ग? पंचभूत शरीर, 10 इंद्रियां और 1 मन, यही है 16 कलाएं जो आप सबके अंदर पाई जाती हैं। इसलिए अध्यात्म कहता है कि भारत में पैदा हुआ हर बच्चा राम कृष्ण का स्वरूप है। पूछते हैं, कुवलिया पीर ने भगवान को पकड़ा, उन्होंने सूंड पकड़ रखी है, उनको पता है कि हाथी का स्वभाव पीछे फेंकने का, सूंड पकड़ा है हाथी ने पीछे फेंक दिया, पूछ पकड़ा हाथी ने मुंह घुमाया इधर किया, फिर बलराम को भी फेंक दिया और एक ही मुश्किल प्रहार में कुमलिया पीर का भी उद्धार करने में बाहर के भी हरे राम। कंस के पास पहुंच गए हैं और कंस देखते ही अट्टहास करने लगता है, क्योंकि भाई जिसमें ताकत कम होती है ना उसको क्रोध ज्यादा आता है, जिसमें ताकत होती है ना उसमें सहन कंस का। कंस जहां भी देखता है वहां 1,000 कृष्ण नजर आने लगे, 1,000 कृष्ण। जब ये मारने के लिए प्रहार करता है तो कृष्ण कहीं और नजर आते हैं। अंत में मेरे प्रभु ने कंस को बताया, मूर्ख तू जानता है मैं कौन हूं, विराट स्वरूप दर्शा दिया कि मैं ये हूं। और परमात्मा श्री हरि ने एक ही वार में कंस का प्राण कर दिया और बस देव को बताने बोले बाहर के बिहारी लाल की। भारत का अंदर हर बच्चा राम है, हर बच्चा कृष्ण है। जिनका चरित्र निर्मल, जिनका चरित्र निर्मल उद्देश्य है महान, भारत की वो ही शान है वो ही बने महान। चरित्र निर्मल 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 निर्मल